जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। तो दोस्तों, हिंदू पांचांग के अनुसार महागुन माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि को फागुन पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म में फागुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फागुन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। वहीं इस तिथि को होली का त्योहार भी इस बार मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं फागुन पूर्णिमा व्रत मुहूर्त व पूजा विधि। पर उससे पहले, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, फागुन पूर्णिमा व्रत मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 17 मार्च को दोपहर 1:29 से होगी, वहीं इसका समापन 18 मार्च दोपहर 12:46 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर स्नान दान और व्रत के लिए फागुन पूर्णिमा 18 मार्च को है। जिन लोगों को फागुन पूर्णिमा व्रत रखना है, वे लोग 18 मार्च को स्नान दान करेंगे और व्रत रहेंगे। तो अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि। हर माह की पूर्णिमा पर उपवास और पूजन की परंपरा लगभग समान है, हालांकि कुछ विशेषताएं भी होती हैं। फागुन पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें और उपवास का संकल्प लें। सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को चंद्र दर्शन तक उपवास रखें। रात्रि में चंद्रमा की पूजन करना चाहिए। इस दिन स्नान दान और भगवान का ध्यान करें। फागुन पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन किया जाता है और फागुन पूर्णिमा के अगले दिन होली का त्योहार मनाते हैं। इस साल होलिका दहन 17 मार्च को है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं होलिका दहन शुभ मुहूर्त। होलिका दहन 17 मार्च की रात्रि 9:20 से शुरू होगा, वहीं इसका समापन 10:31 तक रहेगा। होलिका दहन की अवधि कुल 1 घंटा 10 मिनट तक रहेगी। नारद पुराण के अनुसार फागुन पूर्णिमा को लकड़ी व उपलों को एकत्रित करना चाहिए। हवन के बाद विधि पूर्वक होलिका पर लकड़ी डालकर उसमें आग लगा देनी चाहिए। होलिका की परिक्रमा करते हुए हर्ष और उत्सव मनाना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा की कथा। नारद पुराण में फागुन पूर्णिमा को लेकर एक कथा का वर्णन मिलता है। ये कथा राक्षस हरि कश्यपु और उसकी बहन होलिका से जुड़ी है। राक्षसी होलिका भगवान विष्णु के भक्त और हरि कश्यपु के पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि स्नान करने बैठी थी, लेकिन प्रभु की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं ही अग्नि में भस्म हो गई। इस वजह से पुरातन काल से ही मान्यता है कि फागुन पूर्णिमा के दिन लकड़ी व उपलों से होलिका का निर्माण करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में विधि विधान से होलिका दहन करना चाहिए। इस दिन श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा व गायत्री मंत्र भी करना चाहिए और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप लगातार 108 बार करने से अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपको होलिका दहन शुभ मुहूर्त व पूजा विधि जाननी है तो आई बटन पे उसका लिंक दिया है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। होलिका दहन के समय भगवान विष्णु व भक्त प्रहलाद का स्मरण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही राइट हैंड साइड पे एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच।